सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जीए चैनल को और बेल आइकन को इनेबल करें हमारे नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। हाय गाइस, दिस इज गियासुद्दीन फ्रॉम टेक्निकल जीए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HTML। सो व्हाट इज HTML? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं HTML भाषा, HTML लैंग्वेज को, इसको कैसे सीखा जाता है। हम इसका फुल ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है, इसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए वन सॉफ्टवेयर हुज नेम इज नोटपैड प्लस प्लस दिस सॉफ्टवेयर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आई विल गिव दिस सॉफ्टवेयर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, सो व्हाट इज HTML? HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक वेब पेज बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है, जिसका उपयोग हम वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। ओके, तो ये रहा HTML का इंट्रोडक्शन। तो जो HTML होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो आप देख रहे हैं डॉग टाइप, ये जो आप यहाँ पे डॉग टाइप देख रहे हैं, ये आपका ये HTML जो वर्जन होता है उसको डिफाइन करता है। ओके, और जो HTML आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जो नीचे का है, ये जो HTML देख रहे हैं, ये आपका रूट एलिमेंट HTML पेज का दर्शाता है। हेड हो गया, ये आपका हेड का दर्शाता है, मीटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपने साइट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं आपका साइट कौन किस प्रकार से है, जो कि मीटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वो हेड के अंदर ही होता है। टाइटल आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल, ये वाला टाइटल। टाइटल आप जो भी लिखेंगे, आपका जो वेब पेजेस का आएगा ऊपर में शो होता है टाइटल। ओके, ये होता है बॉडी। जो भी आप कोई भी कोड लिखते हुए तो वो सब बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। ये रहा H1, H1 ये टैग है। ओके, जैसे आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो उसमें बड़ा सा पोस्ट दिखता है एक टाइटल, तो ये उसी के जैसा है H1। ओके, ये P मतलब होता है पैराग्राफ। ओके, ये पैराग्राफ को दर्शाता है। तो ये रहा बेसिक सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ये रहा। ओके, नोटपैड प्लस प्लस, तो इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। अगर आप इसको पहली बार इसको खोलते हैं तो आप इसमें देखेंगे, इसको आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। हमने इसको कस्टमाइज़ किया है। अगर आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में आएगा और ये कोड बड़ा बड़ा दिखेगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। देन सेलेक्ट थीम, चूज टू अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। ओके, सो आई चूज वाइब्रेंट इंक। ओके, क्लिक ऑन सेव ऑन कलर्स। ओके, तो आप इस प्रकार से देखेंगे इस पेज से क्लिक करेंगे तो उसमें कोड को कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जरा ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इसका लिखते हैं। सबसे पहले है यहाँ डॉक टाइप लिखते हैं, ये आपको कैपिटल में लिखना है डॉक टाइप केवल। ओके, बाकी जो कोड लिखेंगे वो सब स्मॉल लेटर में। डॉक टाइप ये हो गया हमारा, फिर HTML लिखते हैं, ये होगा HTML, फिर इसको बंद कर देंगे। ओके, अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है HTML, तो HTML हम लिखते हैं। यहाँ हमने बंद कर दिया, फिर यहाँ से हम HTML यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी HTML लिखेंगे, ये HTML होगा, इसका एक क्लोज टैग भी होता है। क्लोज टैग कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे हम इसको यहाँ से इसको डुप्लीकेट करते हैं, तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेगा सिंपली और प्रेस कंट्रोल डी, यू कैन फाइंड डुप्लीकेट। ओके, तो यहाँ से हम इसको एक स्लैश दे देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया आपका क्लोज टैग।
ओके। इसको हम यहाँ पे स्टार्ट टैग बोलते हैं, और जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आप लगा देते हैं इसको क्लोज टैग बोलते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, अभी नहीं करेंगे, पहले लिख लेने दीजिए स्ट्रक्चर। फिर अब आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी, अब यहाँ पे हम हेड लेंगे पहले, तो हेड पहले आता है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये हेड हो गया, इसको क्लोज कर दिए। फिर यहाँ गए, फिर कंट्रोल डिलीट किए, इसको भी डुप्लीकेट लेना है, और यहाँ से इसको भी क्लोज टैग बंद मतलब कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, टाइटल के लिए हम यहाँ पे TITLE टाइटल इसको बंद करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपना जो भी हो, कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम आई राइट माई चैनल नेम, ओके। सो मेक श्योर डैट योर स्टार्ट टैग एंड एंड टैग ऑलवेज राइट व्हेन यू डू कोडिंग इन HTML, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नाउ वी टेक ए बॉडी सेक्शन। ओके, सो आई क्रिएट दिस डुप्लीकेट, ओके, प्रेस कंट्रोल डी, यू कैन इजली डुप्लीकेट दिस एनी सेक्शन, ओके, यू कैन डू एनी टेक्स्ट डुप्लीकेट बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंड डी, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, बेसिक HTML, ओके ओके फ्रेंड। सो दिस इज हेडिंग, दिस इज द हेडिंग एंड सॉरी दिस इज अ हेडिंग एंड दिस इज द पैराग्राफ, ओके। हेडिंग इंडिकेटेड बाई H1, H2, H3, H5, H6, आई विल डिस्कस, ओके, डोंट वरी। So I take this H1. So what is H1? I will discuss. So, please be patient, okay? तो मैं यहाँ पे H1 यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ this is heading. Okay, फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं H1. Okay, this is the most important. क्लोज टैग एंड स्टार्ट टैग एंड क्लोज टैग ऑलवेज राइट व्हेन यू डू HTML कोडिंग, ओके, अदरवाइज इट कैन नॉट बी वर्क, ओके। आई टेक वन सॉरी ओके। आफ्टर यू राइट दिस कोड क्लिक ऑन फाइल, ओके, सेव एज, ओके ओके। तो आई चूज डेस्कटॉप, यू कैन राइट एनीथिंग, डेट इज आई राइट टेस्ट, ओके, टेस्ट टेस्ट डॉट HTML, ओके, मेक श्योर डैट यू राइट टेस्ट डॉट HTML, ओके, एवरी फोल्डर टेस्ट डॉट HTML, यू कैन सी देयर, ओके। आप यहाँ पे कोई भी जैसे लिखेंगे तो लास्ट में डॉट HTML लगाना कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे HTML लिख देते हैं, टेस्ट डॉट HTML, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऊपर लिख देंगे तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। सो आफ्टर राइट टेस्ट डॉट HTML एनीथिंग डॉट HTML यू कैन सेव नाउ, ओके। मेक श्योर डैट यू चूज पाथ, ओके, when you keep the file, okay, click on save. Now you go to desktop folder, okay,
नाउ यू कैन सी दिस आइकॉन, ओके, क्लिक ऑन इट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, सॉरी फॉर माई बैड इंग्लिश। नाउ यू कैन सी दिस, ओके, आई टेक टू स्क्रीन, ओके, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिख लिए हैं। यहाँ पे टाइटल, टाइटल कौन सा काम में आता है, टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल जी, ये जो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा है, तो टाइटल का स्टार्ट टैग होता है और इसका एंड टैग भी होता है। आप इसको ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई भी टैग लिखेंगे तो इसका स्टार्टिंग टैग, और देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा, जैसे आप सेव करके रन कराएंगे अपने फाइल को। ओके, आप यहाँ पे पी आप देखे थे, वो पी मतलब होता है पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे पी लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ से हम पी लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए आपको कोडिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे ये हमने लिख दिया, जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ गया है, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं पैराग्राफ। ओके, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं पैराग्राफ। तो ये रहा बेसिक सारा चीज़ें, इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम इसमें आपको बताते हैं, ओके, तो ये तो आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका पेज स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप इससे लिख सकते हैं, यू कैन सी HTML पेज स्ट्रक्चर। ओके, यू कीप इन माइंड दिस स्ट्रक्चर, ओके, यू कैन ईजिली लर्न। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये तो आपने सीख लिया डॉक्टर डिक्लेरेशन क्या होता है, मैंने तो आपको बताया था डॉक्टर डिक्लेरेशन HTML 5 को ये दिखाता है। ओके, खैर ये सब आप देख लीजिएगा, देखने का चीज़ होगा तो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी है HTML हिस्ट्री, ये भी देखना चाहते हो देख सकते हैं कौन कौन सा ईस्वी में ये सब आया था, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये रहा, मेक श्योर डैट स्टार्ट टैग एंड एंड टैग ऑलवेज, इन टैग शुड बी ऑलवेज राइट व्हेन यू डू कोडिंग इन HTML। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टैग HTML हेड टाइटल बॉडी, इन टैग इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप ये लगा दिए स्लैश लगा दिए, इसको इन टैग बोलते हैं। हेड टैग टाइटल एंड बॉडी ये सब क्लोज टैग है, आपको ध्यान रखना है, जो भी आप स्टार्ट करेंगे और एंड वो भी करेंगे, स्टार्ट में जो भी टैग लिखेंगे लास्ट में उसको स्लैश देके वही कोड को लिख देना है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वरना ये प्रोग्राम जो है ये रन नहीं करेगा। ओके, कोई कोई ऐसा भी टैग होता है जिसको हम क्लोज भी नहीं करते हैं, वो भी रन करना होता है, उसको मैं आगे बताऊँगा कैसे उसको करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए हेडिंग टैग, हेडिंग टैग किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए जैसे हमने बताया था H1, H2, H3, H4, H5, H6, टोटल 6 हेडिंग होते हैं। तो हेडिंग हम सबसे पहले देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, अभी पर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम ये जो पैराग्राफ है इसको सबसे पहले हटा देते हैं, फिर यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल 6 है ना, तो 6 हम कर लेते हैं इसको, ये हो गया, और यहाँ पे हम H2 दे देते हैं इसको, H2 दे देंगे और यहाँ पे भी H2 दे देंगे, यहाँ पे H3 और यहाँ पे भी H3, यहाँ पे H4 और यहाँ पे H4। ध्यान रहे एक भी आपको जो होता है 1 2 3 4 जो भी कुछ भी एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहाँ पे H5 यहाँ पे भी H5 यहाँ पे H6 यहाँ पे भी H6 दे देते हैं। ओके ओके, अब हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे
तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेडिंग है छोटा बड़ा यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे H1 यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस प्रकार से दिखने को मिलेगा, H2 टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और H3 टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, और ये H4 टाइप करेंगे तो इस प्रकार से, H5 टाइप करेंगे तो इस प्रकार से, और H6 टाइप करेंगे तो ये छोटा सा आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम हेडिंग टैग बोलते हैं। हेडिंग टैग हमारा स्टार्ट होता है H1, H2, H3, H4, H5, H6 से। अब क्लोजिंग इसको ऐसे करते हैं जैसे हमने बताया था अभी, क्लोज करके ये देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, ये हो गया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ का सिंटेक्स ऐसा होता है, यहाँ पे हम पी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का सिंटेक्स ऐसा होता है कि देखिए पी होता है और क्लोज टैग में पी होता है। ओके, तो हम अपने इसमें आते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो ये कोड को हम बता दिए। तो हेडिंग हो गया, हेडिंग तो आपने जान लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, जहाँ आपको समझ नहीं आता उसको दोबारा जाए देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिखेंगे। पैराग्राफ को पी से इंडिकेट किया जाता है तो इसको पी लिख दिए। फिर इसका हम डुप्लीकेट करते हैं क्लोज टैग के लिए। ओके, तो ये हो गया क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज पैराग्राफ। ओके, दिस इज पैराग्राफ। इसको हम 2, 3, 4 ले लेते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो छोटा छोटा लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। ओके, इसको ही पैराग्राफ बोला जाता है। अब नेक्स्ट, तो आपने तो सीख लिया पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है, ये रहा इसका। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका सिंटेक्स कैसा है। तो ये रहा, स्टार्ट हम पी से करेंगे, पी टैग से, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं, लेकिन इंड टैग आपको पी से ही करना है। और यहाँ पे एक स्लैश दे देना है, फॉरवर्ड स्लैश। ओके ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाला क्या है, एलाइन टैग। अब मान लीजिए आपको इसको मिडिल में करना है, ये जो टैग है, जरिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टैग है इसको आपको मिडिल में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलाइन टैग है उसका यूज करके। ओके, तो एलाइन टैग को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है, एलाइन लेफ्ट, एलाइन राइट एंड एलाइन सेंटर। बाय डिफॉल्ट एलाइन लेफ्ट ही होता है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, एलाइन लेफ्ट, एलाइन राइट, एलाइन सेंटर। अगर जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं इस टेक्स्ट को। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। तो हम अपना टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं, ये रहा, तो हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हम इस वाले सेक्शन में जाएंगे, इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे लिखेंगे एलाइन, AI ALIGN। ओके, फिर यहाँ से हम इक्वल टू दे देंगे, फिर डबल कोमा। ओके, फिर यहाँ पे हम इसको सेंटर करना है तो सेंटर लिख सकते हैं, लेफ्ट करना है तो राइट, जिधर भी आपको करना है लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटर लिखते हैं। ओके, इसको रन करा के देखते हैं, ये रहा। तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर में आ गया। ओके, ये देखिए सेंटर में आ गया यहाँ पे टेक्स्ट को। ओके, अब ये रहा, इसको हम यहाँ पे इसको हम राइट करते हैं। जैसे ए लाइन हमने लिख दिया इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे डबल स्लैश, फिर यहाँ पे हम इसको राइट लिख देते हैं। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये राइट में आ गया। ओके, फिर यहाँ पे हम जाते हैं, एलाइन लिखते हैं। ओके, आपको ऐसे 10 से 12 टैग को लिखना है तभी आप आसानी से सीख सकते हैं, जल्द ही सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पे एलाइन लिख दिए, इज इक्वल टू दे दिए, फिर डबल कॉमा दे दिए, और यहाँ पे इसको हम क्या लिखें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में के लेफ्ट में ही रहेगा बाई डिफॉल्ट, आप करेंगे चाहे नहीं करेंगे, ये लेफ्ट में रहेगा। देखिए ये देख सकते हैं,
इसको हम सेंटर करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर के लिए यहाँ पे ये लाइन लिखना है, तो ये लाइन लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू डबल कोमा, और यहाँ पे हम सेंटर लिख देंगे। ओके, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आ गया। ओके, इसको आप चाहे तो राइट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलाइन लिखना पड़ेगा, इसके लिए आप यहाँ पे एलाइन लिख दीजिए, एलाइन इज इक्वल टू डबल कॉमा, और यहाँ पे हम इसको राइट लिख देंगे, RIGHT। ओके, ये रहा सिंटैक्स। तो फिर इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है राइट में आ गया। ओके, तो आपने तो ये सीख लिया एलाइन कैसे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टैग क्या है, लाइन ब्रेक टैग। तो ये कब यूज किया जाता है लाइन ब्रेक टैग, इसका बताने वाला हूँ। ओके, तो लाइन ब्रेक के करने के लिए आपको BR टैग का यूज करना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ब्रेक टैग इंडिकेटेड बाई BR टैग, देयर इज नो एनी क्लोजिंग टैग। ओके, तो हम इसको कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ओके, तो हम यहाँ पे एक कंसोल लेते हैं, यहाँ पे अपना जो ब्राउज़र का है, सॉरी कंसोल जो भी आप बोलते होंगे, यहाँ पे ब्राउज़र ले लेते हैं, जो हमने फाइल को सेव किया था उसको ओपन ही रहने देंगे। ओके, फिर यहाँ से हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो जैसे हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे हटाएंगे, मान लीजिए आपको लंबा टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। ओके, लंबा टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हमने ये टेक्स्ट लिख लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं, तो ये रहा है टेक्स्ट। मान लीजिए आपको यहाँ से तोड़ना है, यहाँ के बाद इस टेक्स्ट यहाँ नीचे लाइन में शो हो, तो वो कैसे कराएंगे, जहाँ से भी आपको टूटना होगा उसको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर BR लिख देंगे। तो हम यहाँ पर BR टैग डालते हैं, BR, और यहाँ से क्लोज कर देंगे, अच्छे सेव करेंगे। कोड लिखने के बाद यहाँ से आप सेव करते जाएंगे इसको। ओके, सेव करने का रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो ये जो यू से चालू है ये आपको इस लाइन में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यू ही आपको यहाँ से देखने को मिल गया। ओके, तो इसको हम BR टैग ही बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं BR टैग इसी को बोलते हैं, ये रहा इसका एग्जाम्पल। ओके, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टैग इंडिकेटेड बाय HR टैग, देयर इज नो एनी क्लोजिंग टैग, सेम एज इट इज BR टैग। ओके, तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और एक ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम HR लिखते हैं, BR की जगह HR लिख देंगे, देन आई चूज HR। ओके, नाउ यू कैन सी दिस वन लाइन, ओके, बिटवीन दिस एंड यू। ओके, तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन बना हुआ आ गया है। ओके, तो ये टेक्स्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो सेंटर का है इसको हम लेफ्ट कर देंगे। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो देखिए BR टैग का मतलब ये जो लाइन होता है सीधी रेखा, इसको आप ईजिली यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।